नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हेल्थ टिप्स प्लेलिस्ट के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करेले का जूस लेकर आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यह जानकारी पूरी तरह समझ आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि परफेक्ट हेल्थ एक हेल्थ चैनल है। इसमें ना सिर्फ आपको हेल्थ से संबंधित जानकारी दी जाएगी बल्कि वेट लॉस से संबंधित जानकारियां भी दी जाएगी और हेल्दी रेसिपीज के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप बिना समय गवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। करेला विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह ना सिर्फ आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है बल्कि आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। वैसे तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि करेले का जूस पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, लेकिन इस जूस को हम किस तरह बनाएं कि हमें अधिक से अधिक फायदा करे और हमारी शुगर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहे, तो आइए देखते हैं। तो ये मैंने छोटे दो गोल करेले लिए हैं। आप लोग जो सभी करेला यूज करते हैं वो जानते होंगे करेले दो तरह के आते हैं। एक तो ये छोटे साइज के आएंगे जो गोल गोल दिखेंगे, इसको भरवा करेले में बनाते हैं, और एक जो लंबे करेले होते हैं। अगर आप लंबा साइज का करेला लें तो आप एक ही करेला लें। यहां क्योंकि छोटे करेले लिए इसलिए मैंने दो ले लिए। अब इन करेलों को मैं सबसे पहले तो इनका यहां से डंठल निकाल लूंगा। अब हमें करना क्या है कि इन्हें काटकर, इन करेलों को काटकर ये जो सफेद भाग अंदर आता है उसे निकाल देना है। ऐसा इसलिए करना है कि अगर ये सफेद भाग को भी हम पीस लेंगे तो उससे इसका स्वाद खराब हो सकता है और ऐसा करने से इसके बीज वगैरह भी आ जाएंगे। इसलिए हमें इसको निकालना और सिर्फ छील का रस पीना है। वैसे भी आपने सुना होगा कि छील का, जो करेले के छील का रस, छिलके का रस होता है, वही फायदेमंद होता है। तो ये व्हाइट पोर्शन मैं निकाल रहा हूं। ये देखिए मैं व्हाइट पोर्शन निकाल रहा हूं। इसमें कई बार बीज आपके पक जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उससे भी करेले का स्वाद, करेले के जूस का स्वाद खराब हो जाता है। ये देखिए अब दोनों करेलों का व्हाइट पोर्शन अलग हो चुका है और उसके बाद मैंने इन करेलों को बारीक बारीक काट लिया है। अब करना क्या है, मिक्सर के जार में हमें इन करेले के बारीक पीसों को भर लेना है। ये मैंने भर लिया, पूरे तरह से डाल दिया पीसेस को। अब इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो ये पीसेस पीसने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए शुरू में हमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये पीसेस आसानी से पीस जाए। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब इस जार में जो करेला है पानी के साथ थोड़ा सा, उसे हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए अब ये करेले के पीसेस को हमने पीस लिया मिक्सी में, ये तैयार है। अब जो मैं खास चीज बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान रखिए कि लोग क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं। हम बाहर भी कहीं करेले का जूस पियेंगे, बाहर सड़कों पर पीते हैं तो वो लोग छान लेते हैं तो उसमें वो असर नहीं करता है। तो हमें छानना नहीं है, हमें इसको डायरेक्ट ग्लास में डाल लेना है। ये देखिए ये थोड़ा हुआ। अब इसमें ये बिल्कुल ऐसा एकदम नहीं पीते बनेगा आपसे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिला रहा हूं। ये मैंने पानी मिला दिया है और थोड़ा मिला देता हूं मैं ताकि ये ग्लास पूरा भर जाए। अब देखिए इसको पीने का तरीका ये है कि आप कोई भी लिक्विड पीते हैं, इवन पानी भी आप पीते हैं तो उसे आपको खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, नहीं तो वह आपके घुटनों पर विपरीत प्रभाव डालता है, नुकसान करता है, नी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। तो कोई भी आप लिक्विड पिए तो कोशिश ये करें कि आप कुर्सी पर बैठकर पिए। अब ये करेले के जूस को बिना छाने, पहले तो एक बात का ख्याल रखना है कि बिना छाने पीना है, दूसरा बैठकर पीना है। अब मैं इसे बैठकर पी रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप घबरा रहे होंगे कि ये दिक्कत करेगा, लेकिन जब आप 4-5 दिन लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। देखिए मैंने पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
था करेले के जूस लेने का सही तरीका। अगर आप इसी तरह से करेले का जूस लगातार लेते रहेंगे तो आपकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आती जाएगी और कम होती जाएगी। लेकिन इसके साथ आप डॉक्टरी परामर्श लेना जारी रखिए और दवाई भी लेना जारी रखिए। थोड़े समय बाद डॉक्टर स्वयं आपकी दवाई कम कर देंगे। और अंत में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस चैनल में हमने हेल्थ टिप्स नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर हेल्थ संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ संबंधित सभी जानकारी के लिए परफेक्ट हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।